हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कुसुमिका कनक है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड स्किन केयर। अब ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो हमारे स्किन के ऊपर दिखता ही है। जिस तरह से खाने का असर हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम पे होता है, उसी तरह से स्किन, हेयर और यहाँ तक कि नेल्स पे भी होता है। तो अगर हम बैलेंस डाइट रखें, न्यूट्रिशन रिच डाइट रखें, तो हमारे स्किन को डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो हमें डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं कुछ चीज़ें एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकें और डे टू डे डाइट से आप इनका हेल्प ले सकें। अगर हम अपने डाइट से रेगुलरली एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और रेगुलर न्यूट्रिशनल सप्लाई ले सकते हैं तो अच्छा होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं? ये हमें फूड में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स से मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करते हैं हमें अपने स्ट्रेस वाले जो डैमेज होते हैं उसको कम करने के लिए, या फ्री रेडिकल डैमेज को कम करने के लिए। विटामिन्स भी हमें फूड से मिलते हैं और बहुत आसानी से मिलते हैं। रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये हमें ईजिली मिल सकते हैं। विटामिन ए जैसे कैरेट से मिल सकता है, विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से मिल सकता है, विटामिन ई नट्स वगैरह से मिल सकता है। तो अगर हमें लगे कि हमारा स्किन ड्राई है तो हम कैरेट्स या विटामिन ए वाली चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हमें लगे कि टैनिंग वगैरह की टेंडेंसी ज़्यादा है तो हम विटामिन सी ले सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स हमें रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए। साथ साथ में अगर हम प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज़ करते हैं तो ये हमारे टिश्यूज़ के लिए, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। ये वेयर एंड टेयर में हेल्प होता है। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स से हो या नॉन वेजिटेरियन सोर्स से हो। एग्जाम्पल, हम दही और चने, पनीर ये सब भी ले सकते हैं। साथ साथ में फ़िश या हम नॉन वेजिटेरियन जैसे पोल्ट्री या चिकन भी ले सकते हैं, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रेड मीट अवॉइड करें। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन का सप्लाई भी बना रहेगा। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स ये सब ले रहे हैं तो हम पानी के बारे में कैसे मिस कर सकते हैं? हाइड्रेशन एक इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन का। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम 3 to 4 liters ऑफ वाटर रेगुलरली लें। अगर हमारा डाइट बैलेंस्ड है और अगर हमारा हाइड्रेशन एडिक्वेट है, हम डाइट में रेगुलरली अवॉइड कर सकते हैं बाहर की चीज़ें, तो फिर हमारा स्किन हेल्दी रहेगा और ग्लोइंग होता रहेगा। आई होप आपको आज का इन्फॉर्मेशन डे टू डे एक्टिविटीज़ में हेल्प करे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।